दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे आविष्कार के बारे में हम बात करेंगे जिसे आपने कभी ना कभी जरूर प्रयोग किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमरा के आविष्कार के बारे में। आज के समय में कैमरा हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि कैमरा के द्वारा हम किसी भी लम्हे को कैद करके यादगार बना सकते हैं। शायद इसीलिए आज कैमरा मोबाइल के साथ साथ अन्य कई डिवाइसेज में भी उपलब्ध है। आज कैमरा हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम किसी भी नई जगह पर जाते हैं या किसी लोकप्रिय इंसान से मिलते हैं तो उस पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरा में कैद कर लेते हैं। और तो और, आज कैमरा पर ही पूरी की पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कैमरा को आज हम इतनी आसानी से यूज करके पल भर में फोटो ले लेते हैं, उसी से कभी फोटो लेने के लिए 8 घंटे का समय लगता था। और फिर कैसे वक्त के साथ साथ इस कैमरा में बदलाव आए, इसे आधुनिक बना दिया गया, आज के इस छोटे से मोबाइल में भी आसानी से फिट हो जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सबसे पहले कैमरा के बारे में किसने विचार किया और कैमरा को बनाने में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। प्रथम प्रयास। अगर हम बात करें सबसे पहले कैमरा जैसे किसी यंत्र को बनाने का विचार किसी के मन में आया था तो वो थे चाइनीज फिलोसोफर मोजी, जो कि उस समय के एक जाने माने खोजकर्ता थे। करीब 391 BC में सबसे पहले कैमरा के बारे में इन्होंने ही अपनी किताब में लिखा था। उनके मुताबिक उनके दिमाग में कैमरे जैसे यंत्र का विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी किसी पत्ते के छोटे से छेद से छनकर अंधेरे कमरे में प्रकट होती थी तो बाहर के कुछ दृश्य उल्टी दिशा में यानी इनवर्ट फॉर्म में दीवार पर छप जाया करते थे। जिसके बाद मोजी ने भी कई वर्षों तक कैमरा जैसे किसी यंत्र को बनाने में अपना योगदान दिया, पर वो सफल ना रहे। इसी तरह थियोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने 4th सदी में, एंथेमिसिस ऑफ ट्रायल्स जिन्होंने 6वीं सदी में हेगिया सोफिया को डिजाइन किया था, उन्होंने भी मोजी कैमरे के आविष्कार पर अपना अहम योगदान दिया था, पर कोई भी सफल नहीं हो सका था। दूसरा प्रयास। तकरीबन 11वीं शताब्दी में अरब के भौतिक शास्त्री इब्न अल हैथाम ने कैमरा से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इराक के रहने वाले ये वो शख्स थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक्स यानी चश्मे जो कि हम लगाते हैं और कैमरा में जो आज हम प्रयोग करते हैं, उनका पहला और बुनियादी आविष्कारक इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने ये भी बताया था कि रोशनी सीधी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, और इसके बारे में इन्होंने विस्तार से समझाया था कि रोशनी जब सीधी चलती है, जब एक छोटे सुराख की तरफ जाती है तो उसमें जाकर वो उल्टी हो जाती है। मतलब अगर रोशनी किसी सुराख में से जाएगी तो दूसरी तरफ उसका अक्ष उल्टा बनाएगी। और फिर इन्होंने अपनी इसी थ्योरी पर काम करते हुए पहली बार एक पिन होल कैमरा बनाया था। वो एक चादर लेकर एक कमरा बनाते थे जो अंधेरे में होता था और फिर वो इसमें एक बारीक सुराख कर देते थे। उस सुराख से जब रोशनी आती तो सामने की चीजों का अक्ष दीवार पर उल्टा पड़ता, यानी कि एक उल्टी इमेज बनती, जिसे आज के समय में रिफ्लेक्शन ऑन द ऑप्टिक्स कहा जाता है। और इसी थ्योरी से उन्होंने ऑप्टिक्स की अहम खोज कर ली, जिसका इस्तेमाल करके आँखों की रोशनी का इलाज किया जाता है कि आँखें कैसे काम करती हैं और अगर आँख कमजोर हो जाए तो इन्हें कैसे शीशे के जरिए सही किया जा सकता है। तीसरा प्रयास। इसके बाद तकरीबन 1490 में इटली के महान चित्रकार और खोजकर्ता लियोनार्डो दा विंची कैमरा पर काम कर रहे थे और इमेज को ट्रेस करने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, जिसके कुछ सालों के बाद कैमरा के आविष्कार में तेजी दिखाई दी। और फिर सन 1685 में जॉन जेन ने भी कैमरा के आविष्कार में अपना योगदान दिया और एक पोर्टेबल कैमरा को डिजाइन कर लिया, पर वो पूरी तरह से सफल कैमरा बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे। चौथा प्रयास। आपको बता दें कि पहले के समय में कैमरा एक सिद्धांत पर काम करता था जिसे कैमरा ऑस्कुरा कहते हैं। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है डार्क चेम्बर, मतलब अंधेरे वाला कमरा। क्योंकि उस समय तक बने ये सभी कैमरा एक बड़े कमरे के आकार के बॉक्स होते थे जिसमें एक छोटा सा छेद होता था और जब रोशनी इससे पास होती थी तो बाहरी वस्तु की इमेज अंदर की तरफ दीवार पर बन जाती थी, जिसके बाद अंदर बैठा आर्टिस्ट उसे ट्रेस कर लेता था। पर समस्या ये थी कि इमेज अंदर की तरफ उल्टी बनती थी। लेकिन बाद में 18वीं सदी में शीशे का प्रयोग करके इस समस्या को भी सुलझा लिया गया था और आधुनिकता और बदलते युग के साथ कैमरा के आकार छोटे होते चले गए, साथ ही मॉडल भी बदल गए। और बात करें आधुनिक कैमरा की तो दुनिया का सबसे पहला कैमरा वर्ष 1824 में जोसेफ निफ्से ने बनाया था। उन्होंने ही दुनिया की पहली फोटोग्राफी की थी। निफ्से ने कांच की प्लेट पर लेवेंडर ऑयल लेप किया और इस प्लेट को सूर्य के प्रकाश में रख दिया और कुछ घंटों के बाद उन्होंने इस प्लेट को लेवेंडर और अम्ल से साफ कर दिया। इसके कारण कांच की प्लेट पर एक नेगेटिव प्राप्त हुई। निफ्से ने इस प्रक्रिया को हेलियोग्राफ कहा, जिसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति में चित्रण करना।
इस कैमरा तकनीक में एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फोटो खींचने में काफी समय लगता था और खींची हुई फोटो भी कुछ समय तक रहती थी। पांचवा प्रयास। फिर वर्ष 1839 में लुइस डेगुरे ने दुनिया का पहला व्यवहारिक कैमरा डेगुरियोटाइप बनाया था। उन्होंने जोसेफ निफ्से के कैमरा में सुधार करके ये कैमरा बनाया, परंतु इस कैमरे से फोटो नेगेटिव प्राप्त नहीं होता था। इसी प्रॉब्लम को दूर किया विलियम हेनरी फॉक्स ने, जिन्होंने वर्ष 1840 में कैलोटाइप नामक कैमरा का आविष्कार किया। इस कैमरा से एक ही इमेज की कई सारी कॉपीज बनाई जा सकती थीं। और फिर वर्ष 1948 में एडविन लिन नामक व्यक्ति ने कैमरा में सुधार करके एक ऐसा कैमरा बनाया था जिससे तुरंत फोटो प्राप्त की जा सकती थी। छठवां प्रयास। इसके बाद साल 1885 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पेपर फिल्म कैमरा बनाया, जिसके बाद ही पेपर फिल्म बनाने की शुरुआत हो सकी। और फिर वर्ष 1888 कैमरा के आविष्कार में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष ईस्टमैन कोडैक ने फिल्म कैमरा लॉन्च किया। इस कैमरा में फिल्म रोल का उपयोग होता था जिससे करीब 100 फोटो क्लिक की जा सकती थी। इसके बाद से ही दुनिया में मूवीज का दौर शुरू हो गया। इसके बाद जॉर्ज ईस्टमैन ने सेलुलॉइड फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया, जिसके बाद कैमरा काम में लेना और भी ज्यादा आसान हो गया। और इसमें खास बात यह रही कि इसमें फिल्म को बार बार बदलने का भी कोई झंझट नहीं होता था। DLR और SLR कैमरा। इसके बाद साल 1928 में पहला रिफ्लेक्स कैमरा LTR के रूप में आया, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद साल 1933 में SLR डिजाइन बनना शुरू हुआ। और फिर साल 1954 में जापान की एक कंपनी आशी ने सबसे पहले एक SLR कैमरा बनाया, जो कि इमेज में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट को फोकस आसानी से कर सकता था। डिजिटल कैमरा की शुरुआत। आपको बता दें कि कोडक कंपनी के इंजीनियर स्टीवन सेसन, उन्होंने साल 1975 में पहली बार एक डिजिटल कैमरा बनाया, जो कि पहले बनाए गए सभी कैमरा से अलग था। इनमें फिल्म का इस्तेमाल नहीं होता था। आपको बता दें कि शुरुआत में डिजिटल कैमरा का रेजोल्यूशन करीब 0.1 मेगापिक्सल का था और इसका वजन करीब 4 किलोग्राम था। इसके बाद साल 1989 में जापान की कंपनी निकॉन ने पहला DSLR कैमरा लॉन्च किया, जिसके बाद लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। और इसके बाद कई मॉडर्न तकनीक के साथ नए नए DSLR कैमराज बनाए जाने लगे। वहीं साल 2002 से DSLR कैमरा का इस्तेमाल TV, फिल्में आदि में किया जाने लगा। इसके साथ ही डिजिटल कैमरा में कम लागत की वजह से इनका इस्तेमाल फोन में भी किया जाने लगा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी दीजिए इजाजत, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। याद रखना, हम है राही सोशल मीडिया के। फिर मिलेंगे चलते चलते। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।